कांग्रेस ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया और टिकट मिलने के बाद मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान सहित जनता का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि इस बार उनकी पहली प्राथमिकता पानी की समस्या का निदान करना होगा। इस दौरान मानवेंद्र सिंह ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की ओर से स्थायी मुद्दों को छोड़कर सैनिकों के मुद्दे पर बयान के बारे में कहा कि देश में सेना सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो अपने आप में सोचने लायक है, क्योंकि विश्व में इस तरीके की बातें सेना पर नहीं की जाती। चुनाव में जनता के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि सेना की बातों पर। जो परिणाम आपके सामने आया और विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जिलों में जो परिणाम आया है उससे पता चलता है कि लोगों की भावना कांग्रेस के प्रति है और जो नाराजगी वसुंधरा सरकार पर थी वो अभी भी नाराजगी जारी है और मुझे विश्वास है कि वो भावना, वो आक्रोश लोकसभा के मतदान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।